राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे विजया एकादशी किस दिन पड़ रही है। यह फरवरी माह की दूसरी एकादशी होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। हर एक महीने में दो एकादशी का व्रत आता है, जो कि एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष को पड़ता है। दोस्तों, फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी में व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा आराधना विधि विधान से किया जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भी विजया एकादशी का व्रत पूरे दिन रखता है, भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है, उसको हर एक कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। हर साल आने वाली हर एक एकादशी का अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की कथा सुनी जाती है, जिससे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस विजया एकादशी का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है और साथ साथ पारण का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, विजया एकादशी 2022 27 फरवरी को रखा जाएगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि का प्रारंभ शनिवार 26 फरवरी को सुबह 10:39 से हो जाएगा, जो अगले दिन 27 फरवरी को सुबह 8:12 तक रहेगी। इसके अलावा विजया एकादशी तिथि पर सर्वाधि सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। विजया एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। वहीं अगर इस दिन राहु काल की बात करें तो शाम को 4:53 से शाम को 6:19 तक राहु काल रहेगा। आइए दोस्तों, हम आपको विजया एकादशी पूजा की विधि बताते हैं। विजया एकादशी व्रत की पूजा में 7 धान रखने का विधान है। एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान रखें। इस पर जल कलश स्थापित कर इसे आम या अशोक के पत्तों से जलाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं और दीप दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। हर दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। विजया एकादशी का पारण मुहूर्त है 28 फरवरी को सुबह 6:48 से 9:06 के बीच में कर लेना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि का समापन सूर्योदय से पहले होगा। दोस्तों, यह एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।